लखनऊ 174 मध्य विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आशीष चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि बहन कुमारी मायावती पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। वॉयस ऑफ अवध न्यूज उत्तर प्रदेश। जनता से जब शुरुआत के मुद्दों पे हुई तो जनता सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे आज की डेट में। जितना ऐशबाग और इन सब जगह देखेंगे आप कि जो है किसी को नौकरियों का भी जो है सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। रोजगार है नहीं और उसके बाद मध्य क्षेत्र में आप पुराने लखनऊ जितना पड़ता है उसमें सबसे बड़ी उसके बाद दूसरी समस्या आपकी है सीवर लाइन की, नालियों की और रोडों की। और स्वास्थ्य की सेवाएं भी यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, वो भी ठप पड़ी हुई हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इनकी आपकी सरकार आती है तो कानून व्यवस्था कैसे सही करेंगे? इससे पहले मायावती की सरकार में बहुत अच्छा रहा कानून। कानून व्यवस्था के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है कभी भी बसपा की सरकार में। बसपा की सरकार जब जब रही है लॉ एंड ऑर्डर सबसे नंबर एक करा है। आप लगा के 2002 से उसके बाद 2007 से 12 में जब बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही है उस टाइम पे आप देख लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा था। अभी क्या कहते हैं भाजपा वालों का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर हमने बहुत अच्छा कर दिया, कर नहीं दिया है कुछ भी अच्छा। लॉ एंड ऑर्डर तब का अच्छा हुआ करता था जब बहन जी जो है मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उस टाइम पर जितने गुंडे माफिया जो होते थे वो दिखते नहीं थे, इनके में तो दिखते हैं, इनको बंद कराने पड़े हैं। उस टाइम पर तो दिखते भी नहीं थे, घर से आते भी नहीं थे। तो आपको खुद पता है कि 2007 से 12 में जो कार्यकाल बहन जी का चला उससे अच्छा कार्यकाल अभी तक हुआ नहीं किसी का। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। टक्कर आपकी किससे है? टक्कर सर यहाँ पे अब कह लीजिए तो सबसे है और वैसे किसी से नहीं है, क्योंकि पांचवी बार बहन जी हमारी जो है मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से बनने जा रही हैं। क्या मुद्दे लेके जनता से अभी फिलहाल किस तरह से बात करेंगे, कैसे लोगों हालात यहाँ पे ऐसे हैं? हमने आपको बताया यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो आज की डेट में है वो है बेरोजगारी की। यहाँ पे नवयुवक देख रहे हैं आप कितना नवयुवक है साथ में, ठीक है? तो ये जो नवयुवक है ये पूरा जो है बेरोजगार इस टाइम पे है, ये समझ लीजिए। आपकी जो है सरकार बताती है कि 4.5 लाख नौकरियां हमने दी हैं, यहाँ जितना नवयुवक खड़ा हुआ है उसे पूछिए कि किसी की क्या नौकरी लगी है या कहाँ पे किसको क्या मिला हुआ है। हर सरकार कह रही है कि मैं सरकार बना रही हूँ, मैं सपा भी जाए बसपा भी। सर 10 मार्च को देख लिया जाएगा 2 बजे के बाद किसकी सरकार बन रही है। बीजेपी सरकार जो है बीजेपी सरकार जो बहुजन समाज पार्टी है बीजेपी सरकार की सेकंड पार्टी मानी जा रही है, इसके बारे में आपको? तो आपने 3-4 दिन पहले हमें लग रहा है माननीय बहन जी का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा कि बीएसपी जो है कुछ भी हो जाए चाहे बीएसपी के साथ में, लेकिन बीएसपी जो है भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ठीक है सर।